हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप SSC, रेलवे, UPSC कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 यहाँ तक के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। या फिर पूरे में से आप पूरे में करंट अफेयर से नंबर से आप कवर कर सकते हैं। तो डेली बेस पर आप 10 से 15 मिनट अगर आज की डेट में देते हैं, टाइम देते हैं, तो यकीन मानिएगा करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप ला सकते हैं। चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजनाथ सिंह को, एक नाथ शिंदे जी को, नरेंद्र मोदी जी को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हाल ही में इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। याद रखिए, इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर लोकमान्य तिलक जी को, लोकमान्य तिलक से इनको यह राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है नरेंद्र मोदी जी की 2023 के लिए। याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इसी पुरस्कार के तहत नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे फंड भी इनके तहत इस पुरस्कार के राशि में दिया गया है। इस पुरस्कार को जो इनको इस लोकमान्य तिलक जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, इस पैसे को या आपके जनता में लगाया, जो 140 करोड़ जो जनता है, इस पैसों को इस जनता को लगाया जाएगा। या जो इनके जो नमामि गंगा जो योजना है, नमामि गंगे की योजना में इस राशि को इसमें दान किया जाएगा, इसमें गरीब लोगों के लिए इस पैसों को इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक 140 करोड़ जनता के पैसे पे इसको लगाया जाएगा, जो राशि इनको दी गई है यह पुरस्कार, ये जो देने की भी घोषणा कल बनाई गई, जो पुरस्कार है इनको हाल ही में पुणे में इसको दिया गया है। इस पुरस्कार को जो गरीब जनता में इसको लगाया जाएगा, नमामि गंगे में राशि को दान देने की घोषणा भी इनके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह जो पुरस्कार है यहाँ पे लोकमान्य जो तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, या फिर कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, या कौन से काम के लिए जो इस पुरस्कार को दिया जाता है, खास करके देश के विकास के लिए, साथ ही साथ जो देश की योगदान के लिए विकास करने के क्षेत्र में इसको खास करके दिया जाता है। इससे पहले इंदिरा गांधी को दिया जा चुका है, और मनमोहन सिंह को, हमारे जो हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी को भी दिया जा चुका है। ये आपका जो राष्ट्रपुरीय खास करके देश को आगे स्तर लेके जाने के लिए, विकास करने के लिए योगदान, बहुत सारे काम करने के क्षेत्र में इनको दिया जाती है। जो उपलब्धि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस साल दिया गया है 2023 के लिए, तो इसको याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन कौन से देश के बीच हैं जो भूमि समझौता 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है, अथवा 8वीं क्रम की वर्षगांठ मनाई गई है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जो भारत के जहाँ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश एकमात्र है आपका बांग्लादेश। याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा जो देश के साथ कौन सा जो सीमा लगती है, तो बांग्लादेश इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, भारत और बांग्लादेश ने ये आपका लगभग 1974 में एक समझौता किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपके 16 मई 1974 को ये आपके भूमि पे समझौता किया गया था। आप लोग को सभी पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहले सीमा विवाद चल रहा था, इसको सुलझाने के लिए इसको 1974 में इसको, जब इंदिरा गांधी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तब इस समझौता किया गया था 1974 में, और दोनों देशों के बीच लगभग 4096 किलोमीटर, याद रखे, बांग्लादेश और भारत के बीच 4096 किलोमीटर की आपका सीमा लगती है। तो इसी को विवाद चल रहा था, इसको समझौता किया था 1974 में, तो इसी को लेके याद में इसको 8वीं वर्षगांठ, इसको जो सीमा समझौता को लेकर दोनों देश के बीच यहाँ 8वीं क्रम के इस बार वर्षगांठ को मनाई गई भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखिए, बांग्लादेश की बात करूँ, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की जो करेंसी इसको टका के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया है? सिंगापुर, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में जो गूगल डूडल, यहाँ पे कहने का मतलब जो गूगल के द्वारा एक पोस्ट किया था स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रीय दिवस को यहाँ पे प्रेरित करने के लिए इसको बताया गया था। गूगल में देखे होंगे मतलब जो स्विट्जरलैंड का यहाँ पे उनको देश के एक निशान बताया था वहाँ का झंडा का, और एक खास करके स्विट्जरलैंड को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस को मनाया गया था। तो यह राष्ट्र दिवस को स्विट्जरलैंड को खास करके इसको प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाया गया है। स्विट्जरलैंड के लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ पे एकता को प्रभावित करने के लिए इसको मनाया गया। बात करते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड, नाम सुने होंगे तो स्विट्जरलैंड जो है आपके यूरोप के अंतर्गत एक स्थित बड़ा यहाँ का सिटी है, सबसे यूरोप के अंतर्गत स्थित है स्विट्जरलैंड। और यहाँ के जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सिटी यहाँ पर ज्यूरिख है, याद रखिए ज्यूरिख जो आपके यहाँ के सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है यूरोप के अंतर्गत, ये आपका आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व काफ़ी सम्मेलन की जो मेज़बानी इस बार कौन करेगा? दिसपुर, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है बेंगलुरु को, तो इसको याद रखिएगा। सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके बेंगलुरु में होता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा कि सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन से स्टेट को जाना जाता है, तो इसको आपका बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो विश्व जो काफ़ी सम्मेलन है इस बार बेंगलुरु में किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो कर्नाटक है इसको कॉफ़ी के लिए इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। काफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके कर्नाटक में होते ही आप लोग को पता होगा। इसी तरह यहाँ पे जो इस काफ़ी सम्मेलन का बेंगलुरु सिटी में इसका आयोजन किया गया, इसके तहत क्या होता है जो काफ़ी सम्मेलन ये आपका पाँचवें क्रम का संस्करण होगा 2023 में। ये आपका एशिया में पहली बार इसका किया जा रहा है, इसका आयोजन एशिया में पहली बार इस काफ़ी सम्मेलन को किया जा रहा है। ये खास करके जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के, रोहन्ना बोपन्ना, नाम को याद रख मतलब जानते होंगे सुने होंगे रोहन्ना बोपन्ना, इनको अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किए जाने वाले भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये आपके इसके जो काफ़ी सम्मेलन इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ये खास करके जो विश्व काफ़ी सम्मेलन इसके मेज़बानी क्यों किया जा रहा है, इसका खास करके जो काफ़ी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, यहाँ पे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से इस सम्मेलन को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो उद्योग सेक्टर है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था इसको आगे तक बढ़े, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वारसा में WTA खिताब किसने जीता है? यामिना विकमेयर ने, लावरा सिंगेमुंड ने, या आपका इका स्वीटेक ने, या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इगा स्वीटेक। याद रखिए जाने माने पोलैंड देश के रहने वाली हैं इगा स्वीटेक, एक फीमेल है, टेनिस प्लेयर है जाने माने, तो विश्व के याद रखिए विश्व के जाने माने आपके टेनिस प्लेयर बन गई है इगा स्वीटेक, नाम को याद रखिए। स्वीटेक एक जाने माने टेनिस प्लेयर है। आपका जो यहाँ पे WTA जो खिताब है आपके कौन से क्षेत्र में दिया जाए, WTA इसका फुल फॉर्म होता है वुमेंस टेनिस एसोसिएशन, याद रखे वुमेंस टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 1973 में इसे स्थापना किया गया था। इस बार जो दुनिया के नंबर वन जो खिलाड़ी जो टेनिस प्लेयर आपके इगा स्वीटेक या पे फीमेल बनी है, तो आपके महिलाओं का एक टेनिस खेल हुआ था जिसमें जो दुनिया के जो नंबर वन खिलाड़ी जो बनी है इगा स्वीटेक जो जाने माने टेनिस प्लेयर है पोलैंड देश के रहने वाली है, तो इस बार 2023 के आपके टेनिस प्लेयर इगा स्वीटेक ने यह खिताब इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिएगा पोलैंड देश की रहने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे यह जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, 31 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो हर साल इसको प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे यह जो दिवस है यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? ये खास करके ये जो दिवस है नेशनल माउंट जो क्लाइंबिंग डे, ये खास करके यह दिन खास करके जो जितने भी पर्वतारोही हैं ये पर्वतारोही इनके कार्य और उनकी सफलता को सम्मानित करने के लिए, साथ ही साथ लोगों को एडवेंचर के बारे में जागरूक करने के लिए, ताकि जो नए नए जो स्टूडेंट आते हैं जो नए नए बच्चे हैं इसको एडवेंचर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को उनको मोटिवेट करने के लिए इस दिवस को हर साल 1 अगस्त को यह जो दिवस है मनाते आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी, जयपुर को, शिमला को, जम्मू को, या इनमें से कोई? नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर जो सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री। हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे इस लिमिटेड के स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट लिमिटेड की यहाँ तहत यहाँ पर 100 ई बसें यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस 100 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। इसके तहत यहाँ पे इसमें लोगों को स्मार्ट सिटी जो इलेक्ट्रिक जो बस इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट देखे धुआं से सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट हो बहुत ही नुकसान होता है इन्वायरमेंट को, तो इसी तहत लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को बचाव के लिए ई इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे बस से जो आपके इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, बस जम्मू कश्मीर को यहाँ इसमें स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? संजय पांडे को, अपूर्वा चंद्रा को, अतुल करनवाल को, या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्वा चंद्रा। याद रखिए इनको हाल ही में दूरसंचार जो विभाग है आप देखते हैं जो दूरसंचार विभाग के जो खासकर जो आप टी वी वगैरह जो चैनल वगैरह जो बड़े बड़े थे इसके विभाग हैं जो दूरसंचार विभाग, इसके तहत आपके इनको जो सचिव का पद पे आपके कार्य कर रहे थे पूर्व चंद्र, इनको अतिरिक्त भार इनको इसके तहत यहाँ पे सौंपा गया है दूरसंचार विभाग के तहत। तो पूर्व चंद्र जो है दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में आपके इस बार इनको अलग से इनको पदभार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों पर पहुँचाएगी? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, सीएम कौन है यहाँ के? तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल की बात करूँ तो आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल में जो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में क्या किया इनके द्वारा, तो यहाँ पे जो सिंचाई विभाग के तहत यहाँ पे एक इनको लगभग 71 जो जलाशय यहाँ पे जो डैम वगैरह बने हैं 71 जलाशय वाटरफॉल वगैरह बने, इसके तहत जो बाढ़ आती है जैसे अभी बरसात का सीजन है तो बहुत सारी जगह हम देखे होंगे तो बाढ़ आ जाती है, तो इसी जो बाढ़ के जो पानी को जहाँ पे जो सूखा जो खेती करते हैं जो जहाँ पे सूखा है इसी पानी को यहाँ पे यूज कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ के जो सिंचाई विभाग को यहाँ पे सूचना दे दी गई है योगी आदित्यनाथ सरकार के, तो जिसने भी जो सूखा जो ग्रस्त जहाँ क्षेत्र है यहाँ पे जो खेती यहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ पे जो पानी जो बाढ़ आती है वो पानी को यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, जहाँ पे जो सिंचाई की सुविधा नहीं इस पानी को यहाँ पे इसको एक तरह के यहाँ पे इसको पहुँचाया जाएगा सिंचाई विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे ये अच्छी जो योगी आदित्यनाथ सारी है आपकी अच्छी स्कीम है, जहाँ पर जो सूखा वगैरह है जहाँ पे पानी वगैरह पहुँच नहीं पाती है जो पानी है जो बाढ़ का पानी है पूरा आप तो कहीं कहीं जाके चला जाए वेस्ट हो जाएगा एक तरह का, मतलब देखो जो ये पानी को अच्छी तरह के जहाँ पे सूखा है वहाँ पे एक तरह का उपयोग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 71 जलाशय के बाढ़ को पानी को सिंचाई विभाग को साफ निर्देश दिया गया ये जो पानी है जहाँ पे सूखा है वहाँ पे इसको उपयोग किया जाएगा, इसी तरह के यहाँ पे सिंचाई विभाग को सूचना दी गई है। तो ये जो नदियों के पानी जो फंदी वगैरह जो सूखे खेतों में यहाँ पे पहुँचाएगी इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी ने हाल ही में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ, या आपके इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर ये आपका किसकी राजधानी है? ये आपके गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ये आपके गुजरात के ही रहने वाले हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है हाल ही में इन्होंने G20 जो इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में किया, इसके तहत जो महिला जो बेरोजगार हैं जिन लोग आगे नहीं बढ़ गए उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में इनको नया अवसर दिया जाएगा, एक तरह से महली जो महिला सशक्तिकरण को एक बार बढ़ाना है महिला को आगे लेके बढ़ाना, इसी तरह के यहाँ पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में इस जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है स्मृति ईरानी को या इसका उद्घाटन इन्होंने गांधीनगर में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ ओमयू पर हस्ताक्षर किया है? मुंबई विश्वविद्यालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो मुंबई जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे
दो अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ ओमयू पर हस्ताक्षर किया गया। तो इससे क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इसके साथ समझौता किया गया, इसे खास करके जो मुंबई विश्वविद्यालय, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, खास करके इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे स्टार्टअप के सहयोग के लिए, जो नए नए स्टार्टअप के लिए सहयोग के साथ साथ ही साथ इंटरनेट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट से संबंधी आती है प्रॉब्लम आती है, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जल्द से जल्द निवारण के लिए इंटरनेट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए इसी उद्देश्य से यहाँ पे अमेरिकी जो विश्वविद्यालय के साथ उपयोग पर हस्ताक्षर किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा, याद रखिएगा, तो सेंट लुइस यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ इसके साथ समझौता किया, और आपके इलिनोरस जो यूनिवर्सिटी अमेरिका की, इन दो यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है आपके मुंबई विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप को लेकर और आपके इंटरनेट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन जो है भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ये आपका करेगा हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो IAU क्या होता है, तो IAU ये खास करके एथलेटिक्स फेडरेशन, ये आपका आप इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत क्या होता है, तो ये हाल ही में जो हैदराबाद में इस भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये लगभग 50 किलोमीटर का ये आपके विश्व चैंपियनशिप में मेज़बानी करेगा हैदराबाद। ये खास करके एक मैराथन होने वाली है, दौड़ होने वाली है। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, तो आपके जो मैराथन है इसकी मेज़बानी इस बार हैदराबाद को दी गई है। इस किसके तहत, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इस बार एशिया में हैदराबाद में भारत का इस स्टेट में ये आपका मैराथन किया जा रहा है, एक तरह का दौड़ है, तो इसमें मेज़बानी किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज में हिस्सा लेंगे, जो शामिल देश हैं आपका US, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सभी बहुत सारे देश इसमें इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। तो ये आपका अगले महीने इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के लिए नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, यहाँ की राजधानी दिसपुर यहाँ की राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी दिसपुरी है, और हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, इसको याद रखिएगा। यहाँ के जो सिटी गुवाहाटी वगैरह जो है आपके सब असम के अंतर्गत आती है। तो हाल ही में जो लोकसभा जो अध्यक्ष है, सभी जानते हो लोकसभा अध्यक्ष हमारे कौन है, तो ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। तो इन्होंने हाल ही में जो असम राज्य के लिए एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया है असम में, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे किया गया, तो असम में किया गया, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापन, या आपका रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखिए, मैं रेड बुल ड्राइवर का होने मतलब ये आपके कार रेसिंग से संबंधित खेल है, तो ये आपके बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। तो इस बार जो मैक्स वर्स्टापन ने 2023 में जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये आपके इसने जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इंग्लैंड के जो जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर हैं, जो आपके गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाज प्लेयर हैं, बॉलिंग करते हैं, तेज गेंदबाज है, जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, याद रखिए स्टुअर्ट ब्रॉड ये आपके इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, तो ये आपके गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं, तो ये आपके बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के, तो इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है, तो इंग्लैंड के आपके क्रिकेट प्लेयर हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।